नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके यह निर्णय लिया है कि भारत को 30 अप्रैल तक लॉकडाउन किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप भारत के किसी भी बोर्ड से या किसी भी कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो दोस्तों आपके मन में यह चिंता जरूर होगी कि कब हमारे स्कूल खुलेंगे, कब हमारे कॉलेज खुलेंगे, कब हमारे बचे हुए पेपर होंगे। तो दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि बैठक में क्या निर्णय हुआ है कि कब स्कूल खुलने वाले हैं और कब कॉलेज खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप अखबार की न्यूज़ पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है अभी बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। दोस्तों, पूरी न्यूज़ क्या है देख सकते हैं आप। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को लेकर केंद्र और राज्य की सहमति को देखते हुए स्कूल और कॉलेज आदि शिक्षण संस्थानों को लंबे समय के बाद खोलने को लेकर केंद्र सरकार भी सहमत है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, वे ये चाहती है कि स्कूल और कॉलेज हैं वो लंबे समय के लिए बंद रखे जाएं, क्योंकि यदि यहाँ पे स्कूल या कॉलेज खोल दिए गए तो विद्यार्थियों की भीड़ होगी, जिससे कोरोना वायरस का जो कहर है वो और भी अधिक बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आगे पढ़ते हैं कि वास्तव में कब खुलेंगे। आपकी परीक्षा से जुड़ी पल पल की जानकारी के लिए आज ही विजिट करें rkela.in, इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो दोस्तों, आगे लिखा हुआ है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भी मानना है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए फैसला लिया जाए और 30 अप्रैल तक स्कूल और कॉलेज खोलना ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि भारत का सबसे बड़ा शिक्षा मंत्रालय है, उसने यही कहा है कि स्कूल और कॉलेज को 30 अप्रैल तक तो बिल्कुल भी खोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होगी विद्यार्थियों के बीच में, जिससे कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। आगे लिखा हुआ है इसलिए 15 मई या गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल या कॉलेज खोले जा सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बताया है कि स्कूल या कॉलेज या तो 15 मई को खोले जाएं या फिर जब गर्मी की छुट्टियां खत्म होती है 1 जुलाई, तब खोले जाएं। दोस्तों, 15 मई वाली कंडीशन तब बनेगी जब कोरोना वायरस का जो कहर है वो थोड़ा कम हो जाए। यदि कोरोना वायरस का कहर लंबा चलता है तो दोस्तों आपकी जो स्कूलें और कॉलेज हैं वो 1 जुलाई के बाद में ही खुलेगी। दोस्तों, ये आपको बता दूं, 15 मई कब जब स्कूलें खुलेगी तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी कक्षा 10वीं और 12वीं के पेपर हतोहत हो जाएंगे। दोस्तों, 7 दिन या 8 दिन लगेंगे जब आपके स्कूल में टीचर आएंगे, जब आपके टीचर्स आएंगे, स्टाफ आएगा, उसके 7 दिन बाद में यानी कि 21 या 22 मई के बाद में आपके पेपर करवाना संभव है। दोस्तों, ये सभी स्कूल और सभी कॉलेज के सभी विद्यार्थियों के लिए है। दोस्तों, आगे लिखा हुआ है वहीं कॉलेजों को भी मई तक खोलने पर विचार है। दोस्तों, आगे लिखा हुआ है उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए 1 रिपोर्ट का इंतजार है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय है वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा कि भारत के सभी बोर्ड और सभी कॉलेजों के विद्यार्थियों की जो पेपर बच रहे हैं उनकी परीक्षा किस प्रकार से करानी है, नया टाइम टेबल किस प्रकार से रखना है, स्कूल और कॉलेज कब खोलने हैं। तो दोस्तों, उन्होंने संकेत तो ये दिया है कि 15 मई के बाद स्कूल खोले जाएंगे, 15 मई के 7 या 8 दिनों के बाद में कक्षा 10वीं और 12वीं और कॉलेज के विद्यार्थियों के पेपर करवाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, 30 अप्रैल तक तो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लग चुका है। तो दोस्तों, एक और न्यूज आई है, वो दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, ये एक और न्यूज है जिसमें लिखा हुआ है स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, यानी कि जो 30 अप्रैल तक जो लॉकडाउन लगा हुआ है इसके अंदर जो सभी स्कूल हैं, सभी कॉलेज हैं, वो बंद रहने वाले हैं, स्कूल कॉलेज फिलहाल नहीं खुलेंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि 30 अप्रैल से पहले पहले लॉकडाउन के चलते कोई भी स्कूल और कॉलेज नहीं खुलने वाले हैं, 15 मई के बाद स्कूल और कॉलेज खुलेंगे, उसके 7 या 8 दिनों के बाद में कक्षा 10वीं और 12वीं और कॉलेज के विद्यार्थियों के जो पेपर रह रहे हैं वो हो जाएंगे। तो दोस्तों, अपनी तैयारी पूरी रखें। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आगे जो एडवर्टाइज दिया गया है वो भी जरूर देखना। डाउट नट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो। तुरंत ही 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस, एडवांस के लेवल तक तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नट।